Today we are just going to study the third chapter of your SST book, which is Movements of the Earth. And in this chapter, we will discuss about rotation and revolution. Rotation and its effect and revolution. Thereafter, we will study about changes in seasons. And in this topic, we will discuss solstice and equinox, both. So firstly, we will talk about the movements of the Earth. The Earth has two important movements that affect it. They are rotation and revolution. Students, you know what is a rotation? Rotation is of the movement of the Earth around its own axis. आप फिगर में देख सकते हो, Earth के बीचों बीच एक slant line देख रहे हो आप, जिसको axis बोलते हैं, उसी axis पे आप देख सकते हो आप पता करो ये जो डायरेक्शन है अर्थ के रोटेशन का क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है. अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. रोटेट करने के बाद में जो इसी को इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं. यानी रोटेशन एक ऐसा मूवमेंट है अर्थ का जो इसके एक्सिस पे होता है. एंड दिस कॉजेस डे एंड नाइट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे विश्व के और पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे कहीं दिन होता है तो कहीं रात होता है. ये होता कैसे है, वो पार्ट जो सनलाइट को रिसीव करता है वहां पर डे होता है, वो अर्थ का पार्ट जो सनलाइट को रिसीव नहीं करता है वो नाइट होता है. ओके, अब बात करेंगे रिवोल्यूशन की. लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि ये काफी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और यहां से सन सबसे पहले यहीं पर दिखाई देता है. ओके, इट इज सेड दैट ओके देयर आफ्टर टाइड्स जो है वो रोटेशन की वजह से होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन जो एक ऐसा मूवमेंट है अर्थ का जो कि सन के चारों तरफ होता है, यानी अर्थ एक पार्टिकुलर इलेप्टिकल पाथ में जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी. और ये चक्कर लगाने में इसको टाइम लग जाता है 365 डेज एंड 6 आवर्स का. इसके वजह से सीजंस में बदलाव होते हैं. तो ये 6 आवर्स क्या है, 6 आवर्स आगे चलकर 4 साल पर ये 24 आवर्स बन जाते हैं जो कि 1 डे के बराबर है, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं. ओके, लीप ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे इजीली डिवाइड हो जाएगा. लीप ईयर में फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं. ओके, और लीप ईयर में टोटली 366 डेज होते हैं. अब इस रिवोल्यूशन के वजह से ही सीजन्स में बदलाव होता है. रिवोल्यूशन एंड द स्लाइट टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस. देखिए, आपको मैंने बोला ना कि ये टिल्ट है, यानी थोड़ा सा स्लाइंट है जो एक्सिस है, तो अर्थ का टिल्ट होने की वजह से और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में बदलाव होते हैं. हमारे यहाँ पृथ्वी पर या पृथ्वी पर टोटली 4 मेन सीजन्स है जो कि समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम है. हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है. इसके वजह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ झुका हुआ है और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है दूर है सन से. ठीक है, समझ रहे हो. तो वैसा पाथ जो सन की तरफ रहता है जिसपे सनलाइट पड़ता है वहां पर समर होता है, और जो सन से दूर रहता है वहां पे क्या होता है, वहां पे विंटर होता है. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स की. आप देख सकते हो, देखो हमारा जो अर्थ है ये अर्थ है, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री पर छुपा हुआ है और ये हमेशा रिवॉल्व कर रहा है. तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सूरज की तरफ है और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, सूरज से दूर है. तो जो पार्ट सन के नजदीक होगा वहां पे समर सीजन होगा, और जो पार्ट सन से क्या होगा, सन से दूर होगा वहां पे कौन सा सीजन होगा, विंटर सीजन होगा. देख सकते हो आप. तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में अभी विंटर सीजन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी समर सीजन है. आइए इसको कंप्लीटली समझते हैं. तो अर्थ को बीच में डिवाइड करने वाले लाइन को बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं. यानी इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स.
दो बराबर हिस्सों में इक्वेटर अर्थ को डिवाइड कर देता है। अब देखिए सन का जो पोजीशन है, यहां पर ध्यान देने की बात है, ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, जीरो डिग्री पे आप देख सकते हो, और ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, डिग्री नॉर्थ में है। मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि साउथ में है, ये है आपका आर्कटिक सर्कल और ये है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब सन यहां होता है, एक टाइम होता है जब सन यहां होता है, फिर धीरे धीरे चलकर यहां आता है इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से चल के इक्वेटर पे आता है, इक्वेटर से चल के वो कहां पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है, फिर वो इक्वेटर पे आता है, फिर लास्टली कहां आ जाता है, लास्टली आ जाता है कहां पे, तो लास्टली आ जाता है सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो स्टूडेंट ये पूरे साल में सन का पोजीशन इस तरह बदलता है, सन का पोजीशन नहीं बदलता, सन को अपनी जगह पर रहता है, लेकिन पृथ्वी का पोजीशन किस प्रकार से बदलता है, जिसकी वजह से सन का पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से फिर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ऐसे चेंज चलता रहता है। और तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और नॉक्स का मतलब होता है नाइट, यानी इक्विनॉक्स एक ऐसा नेचुरल इवेंट है जिसके तहत पूरे अर्थ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, और ऐसा साल भर में दो बार होता है। आप देख सकते हो जब कभी सूरज का पोजीशन ठीक इक्वेटर के ऊपर होता है, यानी जब कभी सूरज का पोजीशन ठीक इक्वेटर के ऊपर होता है, तो उस दिन को इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक होता है ऑटम वाला इक्विनॉक्स, जो कि आप देख सकते हो कहीं पे होगा, इनका वहां पर देख लो यहां पर सदर हेमिस्फीयर में। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि जब अभी ये जून का महीना है, 21 जून को, कब जून को, 21 जून को इक्वेटर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है, सन सन का पोजीशन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है, कब, 21 जून को, और इसको सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा दिन बोला जाता है, बड़ा दिन बोला जाता है, यानी आज 21 जून के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा, सबसे बड़ा दिन, साल का सबसे बड़ा दिन और साल का सबसे सबसे छोटी रात होती है वहां पे, ओके। तो यहां पे आ जाए, इसका मतलब हम इस समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब 21 जून को इक्वेटर के ठीक ऊपर, नहीं ट्रॉपिक कैंसर के ठीक ऊपर सन का पोजीशन होगा, स्टूडेंट्स ध्यान दो, सन का पोजीशन 21 जून को जब ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। याद रखना, समर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और विंटर विंटर सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि जो पार्ट सन के करीब रहेगा वहां समर होगा, जो सन से दूर रहेगा वो विंटर होगा। अब ये धीरे धीरे यहां से जून से चलते चलते यहां पे आ जाएगा सितंबर में, 23 सितंबर को फिर सन इक्वेटर पर आएगा, 21 जून से धीरे खिसकते सन का पोजीशन ठीक इक्वेटर के ऊपर होगा, उस समय होगा ऑटम वाला स्प्रिंग, सॉरी इक्विनॉक्स होगा, ऑटमल स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। इस समय हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सितंबर के महीने में 23 तारीख को वहां से स्टार्ट हो जाता है ऑटम सीजन, ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट हो जाता है स्प्रिंग सीजन। हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूं, 21 जून को सन का पोजीशन ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन पीक पॉइंट पे होगा, और उसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। अब खिसकते खिसकते ये आ जाएगा इक्वेटर पर 23 सितंबर को, तो उस समय ये होगा ऑटमल, क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, जिस दिन इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा, उस समय हम ऑटम सीजन फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। फिर ये इसका पोजीशन खिसकते खिसकते ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाएगा, और ये 22 दिसंबर का दिन होगा, जिस समय हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
विंटर सोल्स्टिस होता है, यानी हम विंटर सीजन में होते हैं। फिर ये खिसकते खिसकते इक्वेटर पर जाएगा और वो समय होगा कब? वो समय होगा आपका 21 मार्च को। तो 21 मार्च को फिर इक्वेटर पे आएगा सन, उस समय होगा स्प्रिंग इक्विनोक्स, उस समय हम स्प्रिंग सीजन में जाएंगे और फिर से क्या होगा, फिर से वहां पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा। तो ये सब सन का और पृथ्वी का जो ये मेल जो है यहाँ पे उसकी वजह से जो ऑकरेंस होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे और नाइट वाला दिन, जो कि साल में दो बार होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर स्प्रिंग है तो वहां पे, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग होगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा। अगर यहाँ पे समर है, हम लोग की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो साउदर्न में समर होगा। आप ईद मनाते हो तो आप अभी फिलहाल ईद कब मना रहे हो? ईद आप मना रहे हो अभी आप समर सीजन में, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के अगर लोग ईद मनाएंगे तो कब मनाएंगे? अफ्रीका के लोग अगर ईद मनाएंगे तो कब मनाएंगे? वो विंटर सीजन में मनाएंगे। समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर हम समर सीजन में है तो साउदर्न हेमिस्फीयर के लोग जो होंगे, जो ठीक इक्वेटर के नीचे वाला जितना भी पार्ट होगा वहां पे विंटर सीजन। समझ गए स्टूडेंट्स? इसके अलावा पोलर रीजन है, ये पोल है, तो यहाँ पे 6 महीने तक दिन होता है और 6 महीने तक रात होता है। यानी सन, ये जब ये सन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पर 6 महीने तक, यानी आधे साल तक, हाफ ऑफ ईयर, आधे साल तक यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुंचेगी। ये दिन रहेगा तब तक साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ पोल में वहां पे नाइट रहेगा। फिर जब ये सूरज का पोजिशन इधर आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा और ऊपर 6 महीने का क्या होगा, रात होगा। समझ गए? उसी समय विंटर और समर सीजन होता है, सीजन अलग है। समझ गए? और इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना था, एक बार फिर से आप इसे देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो। याद रखें 21 मार्च 21 मार्च 23 सितंबर को होता है क्या, होता है इक्विनॉक्स, और 22 दिसंबर को होता है विंटर सोल्स्टिस, और 21 जून को होता है समर सोल्स्टिस, वो हमारे हेमिस्फीयर में। ठीक इसका ऑपोजिट होता है किस हेमिस्फीयर में? सदर हेमिस्फीयर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।